जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वाले पीडीएफ को देख करके एमपी बोर्ड के छात्रों के अंदर जितनी प्रसन्नता आई थी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एमपी बोर्ड के छात्रों को अभी भी प्रसन्नचित होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये वाला पीडीएफ बुरे तरीके से एमपी में वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि एमपी बोर्ड का सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है। इस पीडीएफ का हवाला दे करके सब कुछ बताया जा रहा है कि कौन सी सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, 30% में कितना सिलेबस कम किया गया है। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, ये जो पीडीएफ है ये एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये यूपी बोर्ड का सिलेबस 30% कम हुआ है तो यूपी बोर्ड के छात्रों का पीडीएफ है। इसको एमपी बोर्ड का बता करके बताया जा रहा है वीडियो में जो है, तो छात्र यहाँ पर आपको भ्रमित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एमपी बोर्ड ने अभी तक बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं किया है, इस पर सिर्फ चर्चा चल रही है कि 30% सिलेबस कम किया जाना चाहिए। कहीं पर भी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ना तो एमपी बोर्ड के ट्विटर हैंडल पर हुआ है, ना उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हुआ है, ना यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आदेश जारी हुआ है। तो ये जो पीडीएफ देख रहे होंगे, इसमें अब बाकायदा तरीके से बिल्कुल बताया हुआ है कि कोविड की वजह से कितने चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, कितने टॉपिक हटा दिए गए हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो ये जो सिलेबस है ये यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है, न कि एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए। तो एमपी बोर्ड के छात्रों का सिलेबस हो सकता है कि 21 तारीख तक डिसाइड करके बता दिया जाए कि कौन से टॉपिक हटे हैं, कौन से टॉपिक नहीं हटे हैं। जैसे इसका लेटेस्ट अपडेट आएगा चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट है वो क्लियर हो सके, उनको पता लग सके कि अभी तक उनका 30% सिलेबस है कम नहीं हुआ है। हालांकि छात्र इसके भरोसे में न आ जाए और ये वाले टॉपिक को वो न पढ़ें, जिससे उनका भविष्य भी खराब हो सकता है, क्योंकि इन टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में अगर ये टॉपिक नहीं हटाए गए तो। क्योंकि छात्र तो अभी से यही समझ रहे हैं कि इन टॉपिकों को हटा दिया गया है, 30% सिलेबस कम कर दिया गया है एमपी बोर्ड का, लेकिन एमपी बोर्ड में ऐसा बिल्कुल भी अभी तक नहीं हुआ है। आज की डेट तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।